और ना एक महीने से ऊपर लॉकडाउन की अवधि हो गई है, ये कैसे फैल रहा है मुझे समझाइए ना। हम तो रोज यहाँ राउंड करते हैं, मेरे आदमी रोज खड़े रहते हैं, हम गलियों को सुनसान रखते हैं, फिर भी वो इस तरह की जो सोच है ना, या मैं कुछ दिन भी यही कह रहा था, ये कोई लड़ाई दो धर्मों की, प्रशासन की, पुलिस की, आपसे नहीं है, हम सब एक ही तरफ खड़े हैं। Delhi World Public School, India's number one emerging school, जहाँ है academics, sports and performing arts का बेहतरीन combination. Admissions open from pre-nursery to 9th. देखिए, जैसा कि आप कुछ मालूम है कि यहाँ पर लगातार कोरोना के केसेस आ रहे हैं, और पिछले कई दिनों में हमने ये नोटिस किया है कि लोग चुपचाप अपने घरों की छतों से एक दूसरे के घरों में आने जाने की कोशिश करते हैं। तो जो इलाके के मौजूद लोग हैं उनको बुला करके मैंने ये रिक्वेस्ट की है कि हम नॉर्मली रोड और गलियों तक तो पुलिस देख लेती है, लेकिन अगर छतों से लोग एक दूसरे के घरों में आना जाना शुरू कर दें या फिर चुपचाप आने जाने की कोशिश करते हैं, तो वो एक ऐसी चीज़ है जिसे केवल तभी रोका जा सकता है जब व्यक्ति समझ जाए कि मेरे घर में आने वाला व्यक्ति मेरा दोस्त नहीं है, समय मेरा दुश्मन है, और वो हो सकता है कोरोना को लेकर के मेरे घर आ रहा हो। ये चीज़ यहाँ जो मौजूद लोग हैं उनसे बात हुई है, उनको मैंने निवेदन किया है कि आप कृपया इसे हर एक व्यक्ति के दिमाग तक पहुँचाने का श्रम करें, क्योंकि हर जगह पर पुलिस की सख्ती से काम हो ये ज़रूरी नहीं है। बहुत सारी जगहों पर जब अपना ही साथी कोई बताता है तो कई बार ज़्यादा आसान हो जाता है समझना, तो इन लोगों ने मुझे सहयोग करने के लिए हामी भरी है। ये सभी लोग जो हैं अपने क्षेत्र के लोगों को समझाएंगे कि भाई किसी भी तरह का मिलना जुलना, चोरी छुपके मिलना जुलना, या फिर मौका देख करके पुलिस के दूसरी तरफ घूमते ही मिलने की कोशिश करना, उन सब चीज़ों पर रोक लगाने के लिए लोगों को जागरूक करेंगे और उन्हें बताएंगे कि अगर हमें इस क्षेत्र को कर्फ्यू से मुक्त करना है तो ये जागरूकता उनके बीच में लानी ज़रूरी है, ताकि नए पेशेंट्स नहीं बढ़ें और इलाके में जो कोरोना फैल रहा है उसको कंट्रोल किया जा सके। बोले भाई, वो इस तरह की जो सोच है ना, या मैं कुछ दिन भी यही कह रहा था, ये कोई लड़ाई दो धर्मों की, प्रशासन की, पुलिस की, आपसे नहीं है, हम सब एक ही तरफ खड़े हैं। सामने कहें इससे आपको बॉडी देख के पता नहीं चलता है, हम में से हर व्यक्ति हो सकता है यहाँ खड़ा व्यक्ति कैरियर हो, उसके शरीर में कोरोना हो, वो दूसरों तक तो फैला रहा है, कुछ लक्षण नहीं आ रहे, तो हम में से वरना एक महीने से ऊपर लॉकडाउन की अवधि हो गई है, ये कैसे फैल रहा है मुझे समझाइए ना। हम तो रोज यहाँ राउंड करते हैं, मेरे आदमी रोज खड़े रहते हैं, हम गलियों को सुनसान रखते हैं। पुलिस वाला तरीका हमने अपना के देख लिया, हम अभी भी रोड संभालेंगे, गलियां संभालेंगे, दिमाग आप संभालिए, लोगों का दिलो दिमाग से संभालिए आपका। पुलिस वाला तरीका हमने अपना के देख लिया, हम अभी भी रोड संभालेंगे, गलियां संभालेंगे, दिमाग आप संभालिए, लोगों का दिलो दिमाग से संभालिए आपका। कोरोना हो जाए तो मैं अपने घर तक ले जाऊँ तो क्या मैं एक जिम्मेदार व्यक्ति हूँ? हर व्यक्ति के दिमाग में ये चीज डालने में आप हमारी मदद करें, उन लोगों के दिमाग में ये बात डालें कि भाई तुम्हारा सबसे कोरोना हो जाए तो मैं अपने घर तक ले जाऊँ तो क्या मैं एक जिम्मेदार व्यक्ति हूँ? हर व्यक्ति के दिमाग में ये चीज डालने में आप हमारी मदद करें, उन लोगों के दिमाग में ये बात डालें कि भाई तुम्हारा सबसे, और ये बात हम भले ही मानना चाहें या ना मानना चाहें, गलती है आपकी, वरना आप खुद बताइए ना, एक दो तीन चार केसेस मिलते हैं ना साहब, पूरा मोहल्ला क्यों हो रहा है ऐसा? ये जो गलतियां हैं, जा रहे हैं नमाजों के समय, नमाज में जा रहे हूँ, चाहे घरों में मिलने जा रहे हूँ, चाहे जो कुछ करने भी वो जा रहे हैं, पर वो अपने साथ कोरोना बांट रहे हैं। हम में से हर एक व्यक्ति, हो सकता है मुझे भी कोरोना हो, तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं किसी को नजदीक नहीं आने दूँ अपने। एक बात तो आप समझ गए होंगे अब तक कि कोरोना में आपके शरीर में कोई लक्षण दिखाई दे जरूरी नहीं, ये बात समझते हैं क्या आप लोग? हम में से अधिकतर लोग कोरोना के कैरियर होते हैं, ये चीज समझते हैं क्या आप लोग? कि थाली में खाना है, जिसे कंधे से कंधा मिलाकर नमाज पढ़नी है, जिसे मोहल्ले में मिलते रहना है, ये मिलना रोकना है हमें, ये लोगों का आपस में मिलने जुलने का कार्यक्रम बंद करवाना है। हाँ, ये कार्यक्रम बंद नहीं होगा, ये कोरोना बंद नहीं होगा। इसके लिए मैंने आपसे मीटिंग में भी आज तक नहीं, आपसे कमा रहे हैं, इसलिए भी उन लोगों को रखें सर, मैं वहाँ भी जाते वगैरह सब लोगों से, जिनका पॉलिटिकल एम्बिशन ना हो जैसे भाईचारा ज्यादा होता है, भाईचारा उन्हीं का, जिनका पॉलिटिकल एम्बिशन हो, इसमें अगर आप इजाजत दें, हम हमारे ऐसे लोगों के जिनकी बात समझ सके लेते हैं, जिनकी बात समझ सके बात हो, अभी हम कोई पुलिस मित्र नहीं बना रहे हैं, कोई वॉलंटियर्स आना चाहते हैं उनका स्वागत है, पुलिस मित्र बनाने की लंबी प्रोसेस है, नहीं रहे अभी तक, लोग अपनी छतों का इस्तेमाल कर रहे हैं दूसरे से मिलने के लिए, अपने पड़ोसी के घर में चुपके से घुस जाना पड़ोसी भी मना नहीं कर रहा है, तो वो फैल रहा है लगातार, किसी एक व्यक्ति की रहा होगा कोरोना और वो फैलते फैलते आप देखिए 100 से ऊपर इसी इलाके के आंकड़े हो गए,
ये दिखाता है कि हम बेहद लापरवाह हैं, हम मानना नहीं चाहते हैं, हमको लग रहा है सरकार तो पता नहीं क्या कर रही है, क्यों कर रही है। इसकी गंभीरता कैसे पहुंचाई जाए लोगों के लिए, ये मैं आपसे समझना चाहता हूँ, क्योंकि पुलिसिया तरीका तो हम रोड और गलियों से ज़्यादा अंदर नहीं जा सकते, हम लोगों के दिमाग में तो नहीं पहुँच सकते। हम कुछ भी कर लें, हम रोड से तो लोगों को भगा सकते हैं, गलियों से भी भगा सकते हैं, उनके दिमाग तक आते हैं सभी लोगों से, जो समझ गया है कम से कम वो उन्हें समझाने में हमारी मदद करेगी। क्या हो सके तो ऐसे